अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ओरा ग्रैंड इनक्लेव में और आज अफ्तार पे मैं आया हूँ। मंडे है आज और मैंने कहा कि आखिरी रमज़ान से पहले मैं एक अफ्तारी कर ही लूँ। यहाँ पे मुझे तकरीबन 1.5 मंथ हुआ है यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया ओरा ग्रैंड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्टेज डेकोर पे हूँ, यहाँ की अभी तक मैंने अफ्तारी, क्योंकि हम पिछले सालों में जो करते रहे हैं उसका तो एक अपना ही मज़ा था, वो जो हम ओरा ग्रैंड में करते थे डिवाइन हॉल में, उससे पहले हमने ड्रीम में किया, डिज़ायर में किया। सो इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, लोगों से जो लोग नए मेरे चैनल में, यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बनता ही है, सो देट मेरे आने वाले ब्लॉग भी आप तक मिलते रहें और फिर जो है हम इन्जॉय करते हैं। आज की मैं डिशेज़ दिखाऊँगा आपको, कौन कौन सी डिशेज़ हम खाएँगे, चखेंगे वैसे सारी, और जो यहाँ पर इन्वायरमेंट है इफ्तारी का वो भी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और दिखा, चलो फिर से करो। और आज की स्पेशल बात ये है इस ब्लॉग की कि आज आमना मेरे साथ हैं और अगेन आमना हलीमा दोनों साथ हैं। शानडेज रेस्टोरेंट भी हम जाने के लिए तैयार हैं। आमना, आर यू एक्साइटेड? शैल वी गो? ओके। अच्छा, आज का जो हम और अगेन इनक्लेव में आए हैं शानडेज रेस्टोरेंट में, तो हम यहाँ पे जो है आज के जाके मेन्यू देखते हैं, जो कि अगेन J7 ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं, इन्होंने जो है इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। आज मैं जो है आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ, पहले एंट्री के साथ ही हमारे एक लॉन है वहाँ पे, ये देखिए माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं, और इस लॉन पे जो है यहाँ पे मेरी बेटी कामना का शूट भी हुआ था। इन्होंने बड़ा अच्छा किस्म का ट्रस्ट लगाई हुई यहाँ पे और इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे और आगे मैं जाके आपको दिखाता हूँ आज की जो फूड वगैरह जो हम खाएंगे वो, और क्या क्या है यहाँ पे चीज़ें। अभी अगर हम देखें तो ये फूड चाट वगैरह दही बने और यहाँ पे जो है अभी रोल्स वगैरह हैं, समोसे हैं, इसके अलावा फिश है, फ्रूट चाट है, ये हमारे बहुत मज़े के चीज़ किस्म के जो चिकन के जो होते हैं वो हैं। सो ये चीज़ें हैं सारी, रिफ्रेशमेंट वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं सारी हैं, लेमनेड यहाँ पे हमारे फ्रेश जूसेस हैं, बारबेक्यू जो है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है और बारबेक्यू के लिए भी इन्होंने रेडी करना है। सो आइटम्स यहाँ पे अच्छी खासी हैं और जब हम खाएंगे कुछ भी वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे पिज्ज़ा जो है तैयार हो रहा है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये देखिए पिज्ज़ा लेके आ रहे हैं और इसको रेडी करें। इसी तरह यहाँ पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे इन्होंने आइसबर्ग और ओरेगन का स्पेशल जो है इसको डिज़ाइन किया हुआ है और ये भी बहुत ही मज़े की चीज़ है जो कि हम खाएँगे। ये पिज़्ज़ा का देखिए ये लेके जा रहे हैं और इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं अगर तो नान वगैरह फ्रेश लग रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे जाएं दूसरी साइड पे तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें पक रही हैं। वहाँ पे हम देखते हैं तो जिनके स्पेशली अगर हम बात करें रोज है जिसको हम कहते हैं, ये स्पेशल लाइव सर्विंग है, ये चिकन वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है और ये देखिए लाइव चल रही है। यहाँ पे फ्रेश चपाती बन रही है और चिकन जो है टक टक लगेगा, यहाँ पे भी टक 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 लगेगा। यहाँ पे ये देखिए ये बन रहे हैं, आप इस तरह भी देख सकते हैं। रोल्स, कबाब, समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट एंड रश ठीक ठाक लगा। मैं इधर जाके देखते हैं कि ये भी लोग यहाँ पे भी वही दूसरी है, यानी कि फुल एक एरिया हमने वो देखा था साइड पे और हम दूसरे साइड पे आए हैं। अगेन फ्रेश जूसेस जो कि लाइव सर्विंग होगी, बारबेक्यू बन रहा है यहाँ पे, एक उस पार्ट पे था और एक यहाँ पे, जबरदस्त यार ये मुझे टेस्ट से ऐसा लग रहा है रोज़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बस जल्दी जल्दी रोज़ा खुले ताकि हम खाएं। ये यहाँ पे बना रहे हैं फ्रेश। इधर नान, यहाँ पे कोई सेरेमनी हो रही है, कोई इवेंट चल रहा है और
कोई क्लैपिंग चल रही है, कोई प्राइजेस गिफ्ट की सरमनी चल रही है। और अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आइसबर्ग वही स्टॉल जो है। और अगेन प्रेशर। सो मुझे उम्मीद है आज जो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया आपको पसंद आया होगा। और अगेन चांडेस रेस्टोरेंट, यहाँ पे लाजमी आएँ, विज़िट करें, अफ्तारी करें, सहरी करें। मैंने यहाँ पे सहरी 2-3 दफ़ा की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टेस्ट है। और अफ्तारी का आज मैं पूरे रमज़ान में टाइम ही भी मिला तो मैं भी आया हूँ, इंशाल्लाह खा के बताऊँगा। और मेरे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगर आगे कोई अच्छी चीज़ खाते हुए दिखा सके तो दिखाऊँगा, नहीं तो फिर अगले मिलेंगे किसी ब्लॉग में। तब फिर टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।